सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, मैं विनय गुप्ता आप सभी का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लगातार दो दिन मार्केट अच्छी गिरावट के बाद आज मार्केट में थोड़ी सी शांति देखने को मिली। तो दोस्तों, आज के दिन मार्केट ओवरऑल प्लस में बंद हुआ। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं कि कल के दिन मार्केट में क्या लेवल्स आपके लिए निकल कर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी भाइयों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें, जिससे आपको एक परफेक्ट लेवल्स पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो दोस्तों, यहां पर अगर आप लोग देखें तो दो दिन मार्केट में लगातार डाउन साइड का एक तगड़ा मूव देखने को मिला। अगर हम लोग बात करें पांच अगस्त की, तो 5 अगस्त के दिन मार्केट में आपकी गैप डाउन मार्केट ओपन हुई। गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट में नीचे की साइड में तगड़ी सेलिंग देखने को मिली। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें 6 अगस्त की, तो दोस्तों 6 अगस्त के दिन मार्केट में वहीं से सेलिंग होनी शुरू हुई जहां से आपकी 5 तारीख को सेलिंग देखने को मिली थी। तो दोस्तों, आज के दिन आज आपकी तारीख है 7 अगस्त। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि आज मार्केट आपकी गैप अप ओपन हुई। एंड दोस्तों, गैप अप होने के साथ ही मार्केट में थोड़ा सा नीचे की साइड में डाउन साइड मूव देखने को मिला। बट दोस्तों, इसने प्रीवियस सपोर्ट को यहां पर बेस बनाकर वापस से मार्केट ऊपर की साइड में निकल गई। एंड दोस्तों, ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो मार्केट आज के दिन प्लस में बंद हुई। यहां पर आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कि कल के दिन आप लोगों के लिए कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग बात करें निफ्टी 50 की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है आपकी 24,315 के पॉइंट पर। तो दोस्तों, 24,315 जहां पर इसकी क्लोजिंग हुई है, इसके जस्ट ऊपर अगर आप लोग इस वाले लेवल को देखें 24,337 से लेकर 24,348, मतलब कि ये जो 10 पॉइंट का आपका जोन बना हुआ है, ये लेवल इसके लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। तो दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि चार बार दोस्तों इसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम किया। तो दोस्तों, कल के लिए भी ये वाला जो लेवल है आपके लिए स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है उसके रूप में काम कर सकता है। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि अगर मार्केट आपकी साइडवेज ओपन होती है, मतलब कि फ्लैट ओपन होती है, और फ्लैट ओपन होते ही इस वाले पॉइंट के पास आती है और यहां से कोई बियरिश कैंडल बनाती है, तो दोस्तों आपका जो नीचे की साइड में टारगेट रहेगा, तो आपका जो फर्स्ट लेवल रहने वाला है वो आपका है 24,196, मतलब कि 24,200 का जो लेवल है वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। क्योंकि यहां पर मार्केट ने इस वाले सपोर्ट को 2 बार यहां पर फेस किया और यहां से वापस से मार्केट ऊपर की साइड में निकल गई। तो दोस्तों, अगर यहां से मार्केट आपकी फ्लैट ओपन होते ही इस वाले लेवल, ऊपर वाला जो लेवल है, यहां तक मार्केट जाती है और यहां से कोई बियरिश कैंडल बनाती है, तो दोस्तों यहां पर आपको नीचे की साइड में मार्केट जाते हुए दिखाई दे सकती है। अब दोस्तों, यहां पर हम लोग बात करते हैं कि अगर मार्केट कल के दिन आपकी गैप डाउन ओपन होती है इस वाले लेवल पर, जो कि है आपका 24,200 के आसपास, तो अगर मार्केट यहां पर गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होते ही अगर इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करती है, तो जो आपका नीचे की साइड में सपोर्ट रहने वाला है वो रहेगा आपका 24,092 के आसपास, ठीक है। एंड दोस्तों, अगर मार्केट आपकी गैप डाउन ओपन होते ही इस वाले सपोर्ट पर कोई एक बुलिश कैंडल बनाती है, तो दोस्तों यहां से आप लोग ऊपर की साइड में जा सकते हैं। एंड दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि मार्केट अगर कल के दिन आपकी गैप अप ओपन होती है और कहां पर आपका जो ये वाला रेजिस्टेंस है, इस वाले पॉइंट पर अगर मार्केट कल आपकी गैप अप ओपन होती है, जो कि है 24,425 के आसपास, तो दोस्तों अगर मार्केट यहां पर गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होते ही यहां पर अगर इसने कोई एक बियरिश कैंडल बनाती है, कोई बड़ी बियरिश कैंडल बनाती है, तो दोस्तों उस समय आपको वेट करना है और एक परफेक्ट प्राइस एक्शन बनने तक का आपको यहां पर इंतजार करना है। तो दोस्तों, जिस भी साइड में आपको एक परफेक्ट रेजिस्टेंस, परफेक्ट प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखे, आप उस साइड में जा सकते हैं। एंड दोस्तों, ये ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है, ये भी काफी आपका जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है।
अगर यहाँ से मार्केट कोई बियर स्कैंडल बनाती है तो आप लोग नीचे की साइड में यहाँ तक देख सकते हैं, जो कि आपका फर्स्ट लेवल रहने वाला है। अब बात करते हैं एक और रेजिस्टेंस की, जो कि है आपका काफी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है आपका 24,550 के आसपास। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ओपन होते हुए यहाँ से मतलब कि एक बिल्कुल सीधी रेखा में मतलब कि कह सकते हैं कि काफी ज्यादा बुलिश अगर मार्केट है तो ये जो आपका रेजिस्टेंस है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ से आप लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये काफी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल का प्लान कर सकती है। तो दोस्तों आई होप आपको निफ्टी 50 के सारे जो आपके लेवल्स हैं समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में अगर आप लोग बात करें तो बैंक निफ्टी भी जो आपके 5 अगस्त के दिन मार्केट में गैप डाउन ओपन हुई थी, और गैप डाउन ओपन होते ही आप लोग देख सकते हैं कि कितनी शार्प मूव नीचे की साइड में मार्केट ने यहाँ पर दी। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर 6 अगस्त की बात करें तो 6 अगस्त में भी वहीं से आपकी नीचे की साइड में मार्केट गिरती हुई देखने को मिली, जहां से आपकी सेम 5 तारीख को मार्केट नीचे की साइड में गिरती हुई दिखी थी। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आज के दिन मार्केट में क्या हुआ। आज के दिन यहाँ पर आपकी जो बैंक निफ्टी है वो गैप अप ओपन हुई। एंड दोस्तों गैप अप ओपन होते ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी जो कैंडल बनी है कौन सी बनी है, बियरिश कैंडल बनी है। एंड दोस्तों ये इसका जो प्रीवियस सपोर्ट था उसको इसने जैसे ही नीचे की साइड में ब्रेक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से मार्केट नीचे की साइड में आती हुई आपको दिखी। एंड दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो इसका नीचे की साइड में सपोर्ट था, इस वाले सपोर्ट पर इसने क्या किया, इस वाले सपोर्ट पर इसने एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाई और यहाँ से मार्केट वापस से ऊपर की साइड में निकल गए। एंड दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो मार्केट इस वाले जोन में आने के बाद मार्केट एक इस प्रकार साइडवेज मोमेंटम करने लगी। एंड दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल बैंक निफ्टी भी आपकी आज के दिन प्लस में क्लोज हुई। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो है 50,226 के आसपास। तो दोस्तों यहाँ पर 50,226 जो लेवल है इसका, जो यहाँ जहाँ पर ये क्लोज हुई है, ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसके जस्ट नीचे इसने ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके यहाँ पर क्लोज किया है। तो दोस्तों इसकी ये जो है एक प्लस पॉइंट है कि मतलब आपका जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर इसने क्या किया है, क्लोजिंग की है। तो दोस्तों कल के दिन अगर मान लेते हैं मार्केट आपकी साइडवेज ओपन होती है, इसी के आसपास ओपन होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, और फ्लैट ओपन होते ही अगर मार्केट में कोई यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाती है तो यहाँ से मार्केट में ऊपर की साइड में मोमेंटम करते हुए दिखाई दे सकती है, जो कि आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है 50,400 के आसपास। ठीक है, अगर आपका हम लोग यहाँ पर सेकेंड रेजिस्टेंस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सेकेंड रेजिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों 2 दिन लगातार मार्केट इसी लेवल से काफी ज्यादा नीचे की साइड में मार्केट जाती हुई दिखी, तो ये वाला जो लेवल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने निकल कर आ रहा है। दोस्तों ये जो लेवल है ये है आपका 50,600 का लेवल, मतलब कि 50,600 से लेकर 50,618 तक का जो लेवल है ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि नीचे की साइड में आपके पास सपोर्ट कौन कौन से निकल कर आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर मान लेते हैं कि यहीं पर मार्केट आपकी ओपन होती है इसी के आसपास, और दोस्तों इस वाला ये जो आपका लेवल है, ये जो है आपका 50,200 का जो लेवल यहाँ पर है, इसके नीचे मार्केट क्या करती है, रेड कैंडल की क्लोजिंग करती है। तो दोस्तों अगर इसके नीचे मार्केट ने रेड कैंडल की क्लोजिंग की एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो मार्केट वो नीचे की साइड में जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट लेवल रहेगा नीचे की साइड में वो आपका रहेगा 49,800 के आसपास। ठीक है, 49,800 के आसपास यहाँ पर आपका फर्स्ट लेवल रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अलावा और कोई यहाँ पर सपोर्ट बनता हुआ नहीं दिख रहा है। एंड दोस्तों अगर हम लोग सेकेंड सपोर्ट की बात करें तो सेकेंड सपोर्ट यहाँ पर आपका 49,650 के आसपास रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो में हमने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस की है।
तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। एंड दोस्तों अगर आप लोग इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए आप खुद की रिसर्च जरूर करें, क्योंकि दोस्तों मार्केट का कोई पता नहीं कि वो किस साइड में कब मूवमेंट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी अपनी हम लोग ओपिनियन बता सकते हैं। तो यहाँ पर आज के जो कल के लिए जो लेवल्स थे वो यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो दोस्तों आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।